वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मुजफ्फरपुर का जो है कार बाजार आप सभी को दिखाऊंगा कि किस जगह पर है। ऐसे तो हम उसी रास्ते से चल रहे हैं, तो आज मैं आप सभी को सोचा कि उन्हें आप सभी को दिखाए कार बाजार, मुजफ्फरपुर का जो कार बाजार जो लगता है, जहाँ पर आप लोग स्कॉर्पियो, सोमो, बुलेरो, छोटा गाड़ी डिजायर, वो सारा जो गाड़ी जो है यहाँ पर लगी हुई है, मैंने देखा था, तो मैंने सोचा कि उन्हें आप सभी को दिखाए। तो चलिए चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम है भगवानपुर वाले पुल पर, और यहाँ से लगभग डेढ़ किलोमीटर और आगे हैं। अब देख सकते हैं कि इस रास्ते में जो है इस जगह पर हर एक बार ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता है जहाँ पर यह ट्रैफिक नहीं लगता हो। प्रतिदिन इस जगह पर जो है ट्रैफिक लगता ही है, लेकिन बस ट्रैफिक से हम निकलेंगे, उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे। बस आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ में। तो चलिए निकलते हैं ट्रैफिक से और आप सभी को दिखाते हैं मुजफ्फरपुर का कार बाजार। दोस्तों, अब जो है हमारा जो रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है और मैंने सोचा कि उन्हें आप सभी को दिखाते। तो देखिए दोस्तों, यह जो है बैरिया की तरफ जाएगा सीधा और मोतिहारी लखनऊ जो है इधर जा सकता है। तो हम लोग वो चलाएं ऊपर की तरफ, और ऊपर से जस्ट नीचे जो चांदनी चौक पुल है, और पुल के पास में बैरिया गोलम्बर और चांदनी चौक पुल के पास में जो है वह कार बाजार लगा हुआ है, जो कि कार पर सेल के नाम से है, ऐसे ही मुझे पता चला। लेकिन चलिए देखते हैं कि किस नाम से है और वहाँ पर जो लगा हुआ है, सो गाड़ी में आप सभी को दिखाऊंगा। अगर खरीदना चाहते हैं तो कम से कम संपर्क कीजिएगा, आइएगा, और बहुत ही चीप रेट में आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा। ज़्यादा दामों पर नहीं मिल जाएगा, कैश में भी ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट भी आप लोग ले सकते हैं, उसी के अनुसार आप लोग ले सकते हैं। और यह जो पुल है, यह जो है चांदनी चौक का पुल है, जो कि लगभग एक किलोमीटर के आसपास यह बना हुआ है। इसका डिस्टेंस जो लंबाई है 1 किलोमीटर के आसपास है, और यहीं से आप सभी का शुरू होगा। और देख सकते हैं यही जो रास्ता आप सभी को दिखाई दे रहा है ऊपर से, या जो मोतिहारी जाएगा, लखनऊ जाएगा, वह रास्ता है। थोड़ा साइड से चलिएगा और आप सभी को दिखा ही देते हैं। और चांदनी चौक पुल के पास में तो बहुत सारा जो है आप सभी को देखने को मिलेगा गैरेज, यहाँ से आप सभी लोग खरीद सकते हैं, और इसी के पास में है। और यहाँ पर यही स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं कार फॉर सेल यही है, देख सकते हैं यहाँ पर मैं आप सभी दिखा दूँ वही है। और ये बहुत सारी गाड़ी जो है यहाँ पर लगी हुई है, देख सकते हैं कार फॉर सेल के नाम से है, और देख सकते हैं पूरा एड्रेस भी है, और बहुत सारी स्कॉर्पियो है, सारी कंपनी की जो गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। और एक आगे भी है, एक जो है बजा किलोमीटर के पास में भी है, वो भी दिखा देते हैं। ऐसे उधर तो जाना नहीं है, और रहते मोटरसाइकिल से तो दिखा देते हैं, लेकिन अब जो है आगे लगी हुई है, मतलब बढ़िया गोलम्बर जो है ना, बस स्टैंड वाला जो रास्ता है उसके जस्ट पास में ही लगी हुई है, यहीं पर गोलम्बर के पास में। तो वो भी आप सभी को दिखा देते हैं। और जो गाड़ी जो है बड़ी अच्छे कंडीशन में आप सभी को देखने को मिलेगा, बोले तो यहाँ पर जो है एक्सीडेंटल कोई भी गाड़ी नहीं होती है। सारी जो गाड़ी है वह जो है बैंक से खींची हुई, जो किस्त जमा नहीं करते हैं, वह गाड़ी आप सभी को यहाँ पर मिलेगी। आप लोग आइएगा, संपर्क कीजिएगा, अच्छे दामों पर आप सभी को सारी गाड़ी मिल जाएगी। और एक जो है कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर भी आप सभी को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारा गाड़ी था, बहुत सारा गाड़ी तो यहाँ पर बिक भी चुका है। और यह बैरिया गोलम्बर है, देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी को दिखा दे। सो देखिए किस नाम से है, सो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऑल इंडिया कार वाला, देख सकते हैं ऑल इंडिया कार वाला है, देख सकते हैं। और यहाँ पर सारी गाड़ी लगी हुई है, जैसे कि डिजायर है, टियागो है, अल्टो है, यही लगा हुआ है कैंप, और इसी में जो है आप सभी आकर खरीद सकते हैं, बहुत ही चीप रेट में यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों, अभी मैं आप सभी को दिखाया हूँ कार फॉर सेल और ऑल इंडिया कार वाला, जो यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं कार खरीदने, स्कॉर्पियो सारी गाड़ी है यहाँ पर, तो आइएगा, तो चीप रेट में आप सभी को मिल जाएगा। तो कम से कम एक बार संपर्क कीजिए, ऐसे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आप सभी को उनका नंबर भी आप सभी को दे दूंगा, और आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसे पूरा डिटेल्स के साथ में आप सभी को अंदर जाकर पूरा गाड़ी दिखाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में।